अनअकेडमी लाया है अनअकेडमी एक्सेलरेट, योर चांस टू विन 100% स्कॉलरशिप ऑन वन ईयर सब्सक्रिप्शन फॉर CSIR UGC नेट सब्सक्रिप्शन। तो डेट याद रखिएगा, मार्च 28 संडे 12 बजे से लेके 1 बजे तक ये आपका जो है टेस्ट होगा फॉर फिजिकल साइंसेज। आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चन और आपके पास चांसेस हैं, अगर आप रैंक 1 से 2 लाते हैं तो 100% स्कॉलरशिप आपको मिलेगा एक ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। रैंक 3 to 10 लाते हैं तो 75% स्कॉलरशिप, रैंक 11 to 35 तो 50% स्कॉलरशिप, रैंक 36 to 150 तक तो आपको 25% जो है स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है, 6 मंथ या 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। तो आज ही इनरोल कीजिए, इसके लिए टर्म्स और कंडीशंस हैं आपके पास, ये राइट साइड में स्क्रीन पे आप इसे पढ़ लीजिएगा। सेकेंड सेम ही चीज़ है आपके केमिकल साइंसेज वालों के लिए भी है, ये सेम प्लान सेम डेट सेम टाइमिंग, मार्च 28 संडे 12 बजे से लेके 1:15 तक सेम चीज़ है। यहाँ पर रैंक 1 से 100%, 3 से 10 75%, 11 से 35 75%, 50% और 36 से 150 25% का आपको स्कॉलरशिप जीतने का मौका है। और टॉप क्लासेस बाय इंडिया बेस्ट CSIR UGC नेट एक्सपर्ट, फास्ट ट्रैक योर CSIR UGC नेट प्रिपरेशन विद दीज बेस्ट क्लासेस टू वॉच फॉर फ्री ऑन अकेडमी। स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम इंडिया टॉप एजुकेटर्स टूडे लाइक ज्योति कुमारी, गजेंद्र पुरोहित, वीरेंद्र सिंह, ए सेठी, कृषि वार्गीज, दीपिका गोस्वामी, अंजलि अरोड़ा, नेहा तनेजा, ये सब जो है इंडिया बेस्ट CSIR UGC नेट एक्सपर्ट, ये अन अकेडमी पे हैं, इनके वीडियोज आप देख सकते हैं अन अकेडमी पे। तो इन सब सारे का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, चाहे फिजिकल साइंसेस केमिकल साइंसेस के लिए जो एक अनअकैडमी एक्सेलरेट है वो, और इसका आप जाके सारी चीज़ें देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। ट्रेडोफाइट के जो है 3 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, आज के इस पार्ट में हम देखते हैं पार्ट नंबर 4, जहाँ पर हम अभी तक 40 क्वेश्चन करवा चुके हैं और 40 क्वेश्चन के बाद हम आज 41 से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंस ऑफ ट्रबेकुली इज इन स्टेम इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, कह रहा है स्टेम में आपको मिलेगा ट्रबेकुली, ये किसका फीचर है। तो जैसा कि आपने बोला था कि आंसर्स पहले मत बताइएगा, तो मैंने आंसर्स यहाँ पे छिपा के रखे हैं, आप गेस कर लीजिए। अभी तक आपने गेस कर लिया होगा तो मैं इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ। ओके, इसका करेक्ट आंसर है सेलाजिनेला। सेलाजिनेला का जब आप स्टेम का TS देखते हैं तो वहाँ पे आपको ट्रबेकुली मिलता है। ट्रबेकुली क्या होता है, जो वहाँ पे एक एंडोडर्मिस होता है ना, एंडोडर्मल लेयर होता है पेरिसाइकिल के बाहर, उसी का एक्सटेंशन हो जाता है और वहाँ पे आपको गैप गैप देखने को मिलेगा। तो ये जो ट्रबेकुली है ये आपको सेलाजिनेला के जब लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है, या उसके जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलता है। सेकेंड, एंडोडर्मिस इज ट्रबेकुलर इन, देखिए ऊपर वाले से ही रिलेशन है इसका, कह रहा है किसका एंडोडर्मिस ट्रबेकुलर में कन्वर्ट हो जाता है, कैप्सूल एक्सिस ऑफ मॉस, स्टेम ऑफ पाइनस, स्टेम ऑफ सेलाजिनेला या स्टेम ऑफ साइकस। तो अभी ऊपर वाला आपने सॉल्व किया ही, उसी से आप गेस कर लेते कि इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, स्टेम ऑफ सेलाजिनेला। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मैक्रोस्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड इन द सेम स्ट्रोबिलस ऑफ, देखिए स्ट्रोबिलस पहली बात तो क्या है ये आपको समझना चाहिए। स्ट्रोबिलस यहाँ पे ये होगा इसका स्पेलिंग, हाँ स्ट्रोबिलस जो होता है आप देखेंगे कुछ फर्न्स होते हैं उनमें जो मेल और फीमेल वो होते हैं स्पोर बीरिंग ऑर्गन, माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया, वो किसी एक पर्टिकुलर लीफ पे वो होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्पोरोफिर बोलते हैं, और वो कंजस्टेड होके स्ट्रोबिलाई बनाते हैं, और वो या तो यूनिसेक्सुअल हो सकते हैं, मींस वो स्ट्रोबुलस पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजिया वाला हो सकता है या मेगास्पोरेंजिया वाला हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मैक्रोस्पोरेंजिया, मैक्रो इज इक्विवेलेंट टू मेगास्पोरेंजिया, ओके, सो माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मैक्रोस्पोरेंजिया आर फॉर्म द सेम स्ट्रोबुलस, कह रहा है इसमें से कौन है जिसके स्ट्रोबुलस में माइक्रो और मैक्रोस्पोरेंजिया दोनों फॉर्म होते हैं, सेलाजिनेला, ड्रायोप्टेरिस एक्विसिटम और लाइकोपोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है आपका सेलाजिनेला, ठीक। सेलाजिनेला में आप देखेंगे वहाँ पे स्ट्रोबिलस फॉर्म होते हैं, और ये क्या है मैंने आपको बोला था होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस फॉर्म याद करने का,
टेरिस, सीटम, पोडियम, ये तीनों होमोस्पोरस फर्न है। तो आप इससे भी गेस कर सकते थे कि होमोस्पोरस अगर फर्न की बात होती तो वहां पे दो टाइप के स्पोरंजिया नहीं बनते हैं, ठीक है। तो आप उस वाले क्वेश्चन से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेला जिनेला ही है जिसमें हेटरोस्पोरी होगी, और हेटरोस्पोरस में जो प्लांट होते हैं उनमें ही माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया दोनों बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। प्रेजेंस ऑफ जिलेटिनस रिंग दैट ड्रैग्स आउट सोराई फ्रॉम द स्पोर बीरिंग ऑर्गन ऑन डेसेंस इज फाउंड इन। तो इससे भी आप गेस कर सकते हैं, अगर आपने इनमें से किसी एक का लाइफ साइकिल पढ़ा होगा तो उसमें जिलेटिनस रिंग पाया जाता है उसके वहाँ पे स्पोरोकार्प में। तो ये चीज़ आपको कहाँ पे मिलती है? ये चीज़ आपको मिलती है मार्सीलिया के केस में। मार्सीलिया जब आप पढ़ेंगे उसके स्पोरोकार्प का स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे जिलेटिनस रिंग होता है, और यही जो जिलेटिनस रिंग होता है ये सोराई को क्या करता है, बाहर निकालता है डेहिसेंस के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। विच इज़ अ रूटलेस फर्न, इनमें से कौन सा रूटलेस फर्न है, मतलब जिसमें रूट ना हो? टेरिस, ड्राव टेरिस, साल्विनिया या एडियंटम। तो आपको पता है कि जो आपका एजोला और साल्विनिया है ये दोनों किससे, एक ही उससे बिलोंग करते हैं। क्या था आपका ऑर्डर? साल्विनिया से शायद। तो वहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस यही हैं एजोला और साल्विनिया में, कि साल्विनिया में रूट्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। इन द डेवलपमेंट ऑफ हायर वैस्कुलर प्लांट्स फ्रॉम अर्ली वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स थ्रू ओवर टॉपिंग प्लानेशन, यहाँ पे कॉमा रहेगा, ओवर टॉपिंग प्लानेशन, सिंजेनेसिस, रिडक्शन एंड कर्वेशन एज एक्सप्लेन इन विस थ्योरी। कह रहा है जब आप देखते हैं कि अर्ली वैस्कुलर क्रिप्टोगैम से कैसे हायर वैस्कुलर प्लांट्स का डेवलपमेंट हुआ, तो एक प्रोसेस आता है, कुछ एक थ्योरी है जिसमें आपको ये मिलेगा, ओवर टॉपिंग, प्लानेशन, सिंजेनेसिस, रिडक्शन, कर्वेशन, ये किस थ्योरी में आता है? प्रोग्रेसिव थ्योरी, रेट्रोग्रेसिव थ्योरी, यूज एंड डिसयूज थ्योरी और टीलोम थ्योरी। तो अगर आपने कभी भी लाइफ में टीलोम थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा तो ये जो सारे टर्म्स हैं ये ओवर टॉपिंग, प्लानेशन, सिंजेसिस, रिडक्शन एंड कन्वेशन दे बिलोंग टू टीलोम थ्योरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। हु फर्स्ट प्रपाउंड टीलोम थ्योरी, टीलोम थ्योरी को किसने दिया था? देखिए उसी से रिलेटेड है, दैट मीन्स आपको टीलोम थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। और टीलोम थ्योरी किसने दिया था? जिमरमन ने दिया था 1930 में। द अर्थ फर्स्ट फॉरेस्ट वॉज फॉर्म ऑफ अ प्लांट्स बिलोंगिंग टू, कह रहा अर्थ का सबसे पहला फॉरेस्ट जो बना था वो किन से बना था? तो आपको पता होना चाहिए ब्रायोफाइट्स तो काफ़ी छोटे होते हैं, जो टेरिडोफाइट ही थे जो अपने अर्थ का, हमारे अर्थ का सबसे पहले फॉरेस्ट बनाते थे। लेकिन वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग करते थे टेरिडोफाइट में भी? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, इक्विसिडोप्सिडा या फिलिकोप्सिडा? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? लाइकोप्सिडा के जो मेम्बर्स थे इन्होंने ही फर्स्ट फॉरेस्ट वहाँ पे डेवलप किया था अर्थ पे। द हाइस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज फाउंड इन, ये तो आपको रटा होगा एकदम से कि सबसे ज़्यादा क्रोमोजोम किस में मिलता है पूरे प्लांट किंगडम में, तो वो फर्न ही है। फर्न में कौन सा? ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलाटम स्पीसीज है इसका, इसमें सबसे ज़्यादा हाइस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिपोर्टेड है, विच इज इक्वल टू टू डिप्लॉयड नंबर इज इक्वल टू 1260। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, तो ये ऊपर के ही क्वेश्चन के जैसा है, क्वेश्चन आया है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। द रिस्पेक्टिव नेम ऑफ मेडन हेयर फर्न एंड मेडन हेयर ट्री आर, तो यहाँ पे कॉमन नाम पूछा है मैंने आप सब, मैंने आपको टेबल भी प्रोवाइड कराया था जहाँ पे कॉमन नेम्स भी पूछे जाते हैं। मेडन हेयर फर्न और मेडन हेयर ट्री किसे बोला जाता है? तो फर्न आया दैट मीन्स टेरिडोफाइट, और ट्री आया दैट मीन्स कोई और प्लांट होगा। तो करेक्ट भी आप इसे गेस कर सकते हैं, मेडन हेयर फर्न आपका एडियंटम है और मेडन हेयर ट्री क्या है आपका? जिंको, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका अगला पार्ट बताऊंगा जो कि लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद मैं आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने करीब 11 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया। देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी, आपका अपना चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।